नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ भजन कौर इंसान जी हैं, जो उसी हॉस्टल में काम करती हैं पिछले 15 सालों से, जिसको बदनाम किया जा रहा था। यहाँ पर रहने वाली लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया था। जानते हैं इनके साथ बातचीत करके क्या क्या है असली सच उस हॉस्टल का। नमस्कार भजनी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत। भजनी जी, आप हॉस्टल में जो शासत नाम जी गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। रात को भी वहीं रुकती हैं? हाँ जी, वहीं रहती। दिन रात वहीं रुकती? दिन रात नहीं रहती। वहीं आपका रूम है वहाँ? हाँ जी। तो भजनी जी जी जानना चाहेंगे, वहाँ पर और भी लड़कियाँ, कितनी की लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं? वहाँ पे लड़कियाँ बहुत रहती है, 30-40 लड़की रहती है अब भी। हाँ जी, हाँ जी। तो सारी सेवा करती है वहाँ पे जी। हॉस्टल में जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियाँ, वो कितनी की होती हैं? स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं अब की भाई, इस टाइम 400 बच्चा होएगा कॉलेज में। हाँ। स्कूल में तो होएगा ज़्यादा, कम से कम मतलब हजारों में बच्चे वहाँ हजारों में हॉस्टल में होते हैं। हॉस्टल में होते हैं अब भी उतनी है 2017 के बाद? हाँ जी, उतने ही है। जो उससे कोई कमी नहीं आई, उससे भी जैसे ये बातें हुई है, उछाली गई है, कीचड़ उछाला गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे हॉस्टल और डेरे में। सच क्या है वो जानना चाहेंगे भी। हॉस्टल में क्या कभी आपने भी ऐसा देखा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है? नहीं, हमने नहीं कुछ देखा। मैं वहीं जहाँ डेरे से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, अब मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। पहले मैं ना डेरे में कुछ देखा ऐसा भी, कुछ हो रहा है या गलत हो रहा है। पिताजी हमारे को बहुत प्यार देते हैं, हम पिताजी से मिलते भी थे, आते मजलिस पे आना तब भी मिलते, जाते मिलते, तो पिताजी हमें बहुत प्यार करते थे। उसके बाद मैं हॉस्टल में रहने लगी तो पिताजी हॉस्टल में जाते, सबको बुला के मिलते, सबको प्यार करते और सबको मिलते। कैसे ऐसा कैसे आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करने का तरीका कैसा है संत जी का? बहुत अच्छा। पिताजी का तो मैं ऋण चुका नहीं सकती जितना पिताजी ने मेरे को प्यार दिया है। उनका चरित्र कैसा है, उनका करेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा है उनका चरित्र, प्रेम से वो बुलाते हैं, बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। इतना तो हमें माँ बाप से नहीं प्यार मिला जितना पिताजी। लेकिन मीडिया में तो काफी बदनाम किया जा रहा है। मीडिया गलत बोलते हैं, वो गलत बोल रही है मीडिया। इस टाइम वो बदनाम करना चाहे, उन्होंने पिताजी को बदनाम किया है इसलिए तो वो गलत बोलते हैं। तो मैम सच क्या है? सच तो सच है, हमारे पिताजी सच है, सच सामने आएगा, उनको सबको पता चल जाएगा भी सच क्या है क्या नहीं। मैम आप आश्रम में भी आए हो, हॉस्टल में भी रहे हो, समाज को क्या बताओगे? क्योंकि समाज को तो हमारे पिताजी खुद उनको बताएंगे, उनके मुंह पे चमाटे ऐसे लगेंगे अंदर से ही डीजे, जब सच सामने आ गया तो उनको अपने आप पता चल जाएगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं सर, वो जब हमारे गुरुजी आएंगे तो उनको खुद को पता चलेगा, पैरों में आके गिरेंगे भी हमारे से गलतियां हुई। आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? हम तो यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। क्या आज उनकी जरूरत है समाज को? हाँ जी है, उनके तो अब तो उनके कदम कदम पे जरूरत है, पल पल में जरूरत है भी, वो जल्दी आए। दुनिया में उन्होंने इतने काम किए हैं जो किसी भी संत ने ऐसा अच्छे काम नहीं किए। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार को हम यही मांग करते हैं भी, हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और डेरे पे जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द सेंटर गुरमीत राम रीम सिंह जी समाज में वापस आए, उनके समाज को सख्त जरूरत है, ये लगातार मांग की जा रही है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।